नमस्कार। साइकोलॉजी और पैडागॉजी क्वेस्ट के इस क्विज सेशन में हम कुल 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि लेवल और फेजेस ऑफ टीचिंग से संबंधित होंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन 1, टीचिंग बीइंग एन एक्टिविटी शुड आल्सो बी प्लान्ड एंड देन, शिक्षण एक क्रिया होने के नाते उसकी पहले आयोजना की जानी चाहिए और बाद में डैश किया जाना चाहिए। ए कम्युनिकेटेड, बी एग्जीक्यूटेड, सी ऑर्गेनाइज्ड, डी फॉर्मुलेटेड। हम इससे संबंधित स्टेज में जो सेशन था उसमें पहले ही बात कर चुके हैं कि पहली स्टेज जो होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव और प्लानिंग की, और दूसरी स्टेज होती है एग्जीक्यूशन की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, इन डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप्स एट, शिक्षण के विभिन्न स्तरों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। ए मेमोरी लेवल पे, बी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, सी रिफ्लेक्टिव लेवल पे, या डी ऑल ऑफ द अबव। मेमोरी लेवल सिर्फ मीनिंग के लिए होता है। जहां तक अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात है, यहां पे हम प्रॉब्लम को समझना चालू कर देते हैं, यहां पे ये समझ बोध की व्यवस्था होती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल में हम अप्लाई करते हैं दिमाग को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस, इनमें से कौन सा शिक्षण विज्ञान विश्लेषण के अनन्य क्रिया चरण का एक भाग नहीं है। ऑप्शन ए गिविंग फीडबैक, बी डिसाइडिंग अप्रोचेस ऑफ स्टिमुलस प्रेजेंटेशन, सी डिसाइडेड ऑन एक्सपेक्टेड लर्नर्स रिस्पॉन्सेज, और डी डिटरमाइनिंग टूल फॉर अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम। इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा डी, क्योंकि जो अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम है ये इवैल्यूएशन की स्टेज से संबंधित होता है, और बाकी तीनों ही ये इंटरैक्टिव स्टेज से संबंधित होते हैं, जिसके अंतर्गत हम परसेप्शन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर रिएक्शन होता है और डायग्नोस होता है। सो जब हम पढ़ाते हैं तब हम फीडबैक भी देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेटिंग लर्निंग आउटकम्स फॉल्स अंडर विच पार्ट ऑफ द पेडागॉजिकल एनालिसिस, अध्ययन परिणाम बताना शिक्षण विज्ञान विश्लेषण के किस भाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए इंटरैक्टिव स्टेज, बी प्रीएक्टिव स्टेज, सी इवैल्यूएशन स्टेज, या डी फीडबैक स्टेज। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेट करने की जो स्टेज होती है वो होती है प्रीएक्टिव स्टेज, और इसी स्टेज में हम लर्निंग आउटकम्स को स्टेट करते हैं, यानी कि हम ये बताते हैं कि ये पढ़ाने से बच्चे के अंदर कौन सी चीज़ें बेहतर होंगी, कौन सा व्यवहार परिवर्तित होगा। तो लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, स्टेटिंग लर्निंग आउटकम का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, A teacher reflects on the attitude of his her students towards the subject taught by him or her in the class. This is an activity suitable at. एक शिक्षक कक्षा में उसके या उसके द्वारा पढ़ाए गए विषय के प्रति उसके छात्रों के रवैये को दर्शाता है। यह एक गतिविधि पर उपयुक्त है। A. Preactive stage of learning. B. Interactive stage of learning. C. Postactive stage of learning. या D. Intuitive stage of learning. क्योंकि यहां पे बात हो रही है एटीट्यूड की, स्टूडेंट का सब्जेक्ट के प्रति और क्लासरूम की एक्टिविटीज के प्रति, और हमने बात की परसेप्शन रिएक्शन की स्टेज और डायग्नोस की स्टेज इंटरैक्टिव स्टेज होती है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, देयर आर 3 फेजेस ऑफ टीचिंग गिवन बाय पी जैक्सन, फिलिप जैक्सन द्वारा 3 फेजेस दिए गए हैं टीचिंग के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वन। ऑप्शन ए प्रीएक्टिव फेज, बी अंडरएक्टिव फेज, सी इंटरएक्टिव फेज, या डी पोस्ट एक्टिव फेज। फिलिप जैक्सन द्वारा सुझाए गए स्टेजेस में पहली होती है प्रीएक्टिव, दूसरी होती है इंटरएक्टिव, और तीसरी होती है पोस्ट एक्टिव, जैसा कि हमने सेशन में किया था। तो ये उसमें कोई स्टेज नहीं होती, आंसर होगा बी।
नेक्स्ट, शिक्षण के अंतरक्रिया सोपान में अध्यापक अपनी अनुदेशन योजना के अनुसार डैश पढ़ाता है. इन टीचिंग इंटरेक्शन स्टेप्स द टीचर टीचेस डैश अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन प्लान. ऑप्शन ए जड़तापूर्ण ढंग से, बी व्यक्तिगत ढंग से, सी विश्वसनीय ढंग से, या डी लचीलेपन से विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार. जहां तक प्लानिंग की बात होती है, तो जब टीचर प्लान करता है तो उसको में वो करिकुलम को सेंटर में रखता है और साथ में स्टूडेंट की नीड को रखता है. लेकिन जब क्लासरूम की बात होती है तो उसके सेंटर में स्टूडेंट होता है, इसलिए कभी भी वो रिजिड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लास अनएक्सपेक्टेड है कि बच्चा क्या पूछ ले और क्या आपको वहां पे बताना पड़े. इसलिए यहां पे आंसर होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग. ऑप्शन ए अवलोकन एवं विशिष्टीकरण स्तर, बी स्मृति स्तर, सी चिंतन स्तर, या सी डी बोध स्तर. जी, हमने बात पहले भी बात की है कि ये तीनों स्टेजेस हैं, लेकिन ओवरव्यू और स्पेसिफिकेशन लेवल जैसा कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, रॉबर्ट ग्लेसर के मौलिक शिक्षण प्रतिमान के क्रमिक चार भाग हैं. रॉबर्ट ग्लेसर्स फंडामेंटल टीचिंग पैराडाइम हैज अ ग्रेजुअल फोर पार्ट्स. ये बीएड में हम लोग ये पढ़ते हैं रॉबर्ट ग्लेसर, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव की, प्रैक्टिस की, प्रोसेस की और वैल्यूएशन की बात करते हैं. तो चलिए ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए प्रायर प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट असेसमेंट और इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस. यही चार भाग हैं जिन्हें आगे पीछे करके लगाया गया है. तो आप देखिए चार ऑप्शन में से और फाइंड आउट कीजिए दैट विच वन वुड बी राइट ऑप्शन. जी, इसका आंसर होगा बी. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बड़ा आसान है. पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके बाद में आपने जो पहले सीखा हुआ, यानी कि आपकी ट्रेनिंग और पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों के प्रश्न, फिर उसके बाद प्रोसेस जो टीचिंग प्रक्रिया होती है, टीचिंग एंड लर्निंग, और लास्ट में असेसमेंट यानी इवैल्यूएशन का फेज आता है. तो इसको आप याद रखिएगा, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहां से. पहली बात तो ये क्वेश्चन बनता है कि मौलिक शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था, उसके बाद में रॉबर्ट ग्लेसर के चार स्टेप्स बताइए, तो बड़ा इजी सा है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन 10, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंध का प्रमुख चरण है. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज द मेन स्टेज ऑफ मैनेजमेंट. ऑप्शन ए नियोजन एवं संगठन, बी नेतृत्व एवं नियंत्रण, सी नियोजन एवं नियंत्रण, और डी ये सभी. बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ए. देखिए यहां पे नियोजन एंड ऑर्गेनाइजेशन आंसर होगा, ये तो हमें पता है. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये सभी ऑल ऑफ द अबव 66% टाइम ये आंसर होता है, जब भी ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ हो. लेकिन एक बात को ध्यान रखिएगा यहां पे, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, जब भी ऑल ऑफ द अबव दिया हुआ हो तो ऐसे ऑप्शंस रिपीट नहीं होते, क्योंकि रिपीट होने का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एक ही बात को दो बार दोहराया जा रहा है. ऑल ऑफ द अबव होता तो ऊपर रिपीटेशन नहीं मिलती. तो इसलिए इसका आंसर आप याद रखेंगे, इसका आंसर होगा ए. तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चनेयर पसंद आया होगा, और जो पिछले हमने दो सेशन किए लेवल ऑफ टीचिंग और स्टेजेस ऑफ टीचिंग, उससे संबंध करके आप इसको देख पा रहे होंगे और उसकी प्रैक्टिस हो पा रही होगी. तो आपके कितने मार्क्स आए इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. आपका अगर इससे जुड़ा हुआ कुछ फीडबैक हो तो उसको जरूर करें. थैंक यू सो मच.